नमस्कार, मेरा नाम निवेदिता बनर्जी है। मैं पटना के रहने वाली हूँ और मैं SIS 17 जुलाई 1989 को ज्वाइन की थी एज एन असिस्टेंट। इन द सेम ईयर SIS डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर द पेरोल और फ्रॉम अक्टूबर 89 ऑनवर्ड्स SIS का वेजेस कंप्यूटराइज्ड शुरू होने लगा। आई वॉज सो लकी that I got the opportunity to run the wage cell and I did it for 18 years till the ERP was introduced. The journey of mine SIS mein 30 years humne SIS mein rahe aur 30 years mein mera ye journey raha. It was wonderful. I have learned a lot working in SIS. SIS में काम करते करते ये बता सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ। अब शुरू में जो डर लगता था कि अगर ये गाइड नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो नहीं साथ रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे और काम करते करते कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हुआ। देखिए, SIS में काम करते करते तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज हैं। एक तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि मेरा फाइनल इंटरव्यू जो हुआ था वो चेयरमैन सर ने लिए थे। ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है और उनके साथ कई बार टूर में जाने का अवसर मिला। बहुत ही इनकरेज करते थे और कभी ऐसा भी हुआ, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है ये गढ़वा में बेलचंपा में, उनके साथ बाई रोड जाना आना, उनके साथ रहना, एक टेबल पर नाश्ता खाना, एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा वो इनकरेज करते थे और हिम्मत जुटाते थे कि कैसे काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। सिंगापुर टूर में हम लोग गए थे 97 में। देखिए, उनके साथ तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन एक मैं बता सकती हूँ कि हम लोगों ने सिंगापुर गए थे, वहाँ भी एक सिक्योरिटी एग्जीबिशन था, तो उसमें चेयरमैन सर ले गए थे। हम लोग चार ही जन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो जर्नी बहुत अच्छा रहा। सिंगापुर में उसे खाने पीने में मेरा थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, तो उसमें सर ने जिस तरह से, जिस मेहनत से मेरे लिए एक एक जगह खोज के खाना लाते थे और बताते थे कि देखो तुम्हारे लिए ये जगह है, अब इसमें नान कूड़ मत करो, इसमें कोई स्मेल नहीं है, खाओ, ये जो एक अफेक्शन मिला था ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। SIS इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स एवरी इंडिविजुअल टू ग्रूम हिमसेल्फ। उन दिनों SIS का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं था और रीजन्स भी इतने नहीं थे, मुश्किल से 3 या 4 रीजन्स था और हर रीजन्स के अंडर 2 या 3 ब्रांचेस हुआ करते थे। तो सारा काम जो वेज का था वो ऑफलाइन होता था और पटना में ही होता था। तो ब्रांच से जो डेटा आता था वो रीजन में जाता था, रीजन से डेटा हार्ड कॉपी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पटना में आता था थ्रू कोरियर। वो सारे डेटा का एंट्री, नॉट ओनली द अटेंडेंस, इसमें बहुत तरह के एंट्री होता था, जैसे कोई एडवांस लिया, वो एडवांस का लिस्ट, किसी को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया गया उसका रिवार्ड, या किसी के गलती के कारण उसका पनिशमेंट हुआ उसका लिस्ट, ये सारा पटना आता था। वो सारा एक काम पटना में ही होता था जिसे मैं करती थी,
और उसका डेटा एंट्री होता था, फिर सारे डेटा का वैलिडेट होता था, करेक्शन होता था। जब एरर फ्री डेटा मिलता था तो उसका वेज प्रोसेस होता था। वेज प्रोसेसिंग के बाद उसका प्रिंट आउट भी होता था, और ये सारे प्रिंट रीजन वाइज कट होके वेज शीट रीजन भेजा जाता था फॉर डिसबर्समेंट। लेकिन धीरे धीरे SIS का स्ट्रेंथ इतना बढ़ने लगा कि अब डेटा आना और उसका एंट्री करना और वेज प्रिपरेशन ये काफ़ी टीडियस होने लगा। तो फिर ये स्मूथली और जल्दी काम हो सके इसलिए ये हार्ड कॉपी की जगह मॉडेम का इस्तेमाल होने लगा, जो कि थ्रू टेलीफोन से कनेक्ट हुआ करता था। मॉडेम में ये होता था कि जहाँ से डेटा आ रहा है वो लोग काम करके मॉडेम थ्रू उसको अपलोड करते थे। जैसे रीजन में बैठ के ब्रांच से डेटा आया, वो लोग एंट्री किया और रीजनल ऑफिस से वो डेटा मॉडेम थ्रू अपलोड किया, और फिर पटना बैठ के उसको डाउनलोड हम कर लेते थे। तो इससे फास्टर काम होने लगा। लेकिन वेज शीट का प्रिंट आउट और उसका डिसबर्समेंट पटना से ही होता था। नॉट ओनली द वेज शीट, इसके साथ PF का रिपोर्ट, ESI का रिपोर्ट, ये सारे पटना से ही होता था और यहाँ से ही इसका जमा भी किया जाता था। लेकिन SIS का स्ट्रेंथ दिनों दिन इतना बढ़ने लगा अब, और मैन पावर स्ट्रेंथ बोलिए चाहे यूनिट्स बोलिए रीजन्स बोलिए ब्रांचेस बोलिए, इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि अब ये मैन्युअली इसको ऑफलाइन में कंट्रोल करना असंभव हो गया। तो मैनेजमेंट ने ERP का इंट्रोड्यूस किया। ERP का एक अपना डेडिकेटेड टीम है। ERP आने से ये सुविधा हुआ कि टोटल काम ऑनलाइन होने लगा, और सारे ब्रांचेस और रीजन्स ये जो है अपना काम वहीं पर करते थे। वेस्ट शीट वहीं से प्रिंट हो जाता था, और जितना जल्दी हो सके जो जितना जल्दी काम किया उसका डिसबर्समेंट भी हो जाता था। ये काम हमने शुरू किया था 89 अक्टूबर से, और फरवरी 2008 तक हमने इस काम को किया। उसके बाद ERP आया 2008 में, फिर ERP इसको पूरा टेकअप किया। उसी समय उसी साल मैनेजमेंट ने एक नया सेल का भी इंट्रोड्यूस किया, GRC, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल। अब जवान के बहुत से ग्रीवांस रहते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, लेकिन उसकी ड्यूटी अगर कहीं रिमोट एरिया में है या ब्रांच ऑफिस से काफ़ी दूर है तो उसको पहुंचने में और बताने में जो समय लगेगा तो एक दिन का उसका ड्यूटी ऑफ हो जाएगा। तो इन सारी समस्या को देखते हुए इस सेल का एक इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि हम लोगों ने एक कॉल सेंटर हायर किए गुड़गांव बेस्ड। उस पर एक हेल्पलाइन नंबर था, और वो हेल्पलाइन नंबर हर गार्ड के आई कार्ड में प्रिंट होता था, ताकि उस नंबर पे वो कॉल करके अपना जो भी समस्या है उसको बोले, और वो रिकॉर्ड होता था, और उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाता था डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ग्रीवांस। किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 5 दिन, या किसी के लिए मोर देन 7 डेज। अगर मोर देन 7 डेज इसलिए बोल रहे कि अगर चोरी का शिकायत हो तो इसको देखने में, जांच करने में, पूरा निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लग ही जाता था। तो इस तरह का वो टाइम दिया जाता था, और एक नंबर जो टिकट नंबर होता था वो टिकट नंबर गार्ड को बोल दिया जाता था कि इतने दिन बाद आप कॉल करेंगे तो आपका जो भी रेजोल्यूशन है वो आपको बता दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर एक दिन में उसका उसका समाधान हो गया तो खुद कॉल सेंटर से उसको कॉल करके बोल देता था, आपकी आपकी ये प्रॉब्लम था, ये इसका सोल्यूशन है।
ये होता था। तो 2-3-4 साल वो हम लोगों ने गुड़गांव से ही ऑपरेट किए, फिर पटना गुड़गांव उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैनेजमेंट ने ये सोचा कि जब पटना में ही पटना से ही सारा काम होना है तो क्यों ना पटना के किसी कॉल सेंटर को हम लोग हायर करें। तो पटना के कॉल सेंटर को हायर किया गया, सेम हेल्पलाइन जो है वही उसी हेल्पलाइन के साथ पटना में ये कॉल सेंटर चालू हुआ, जिसको हम अगेन हम बोलेंगे कि लकी कि मैनेजमेंट गेव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन दिस सेल। मेरे साथ तीन थे असिस्टेंट, ये लोग काम करते थे मेरे साथ और आज भी वो सेल चल रहा है बहुत अच्छी तरह। आज तो ऐसा है कि अब मेरे पास आने की ज़रूरत है नहीं, अब जो है जिस ब्रांच का जिस रीजन का है डायरेक्ट वही जाके लैंड होता है, सबको एक्सेस है कि जिस ब्रांच का है वो देखे वहाँ से वो रिजॉल्व करे। अब वो सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, ये सारे ERP थ्रू ही होता है ऑनलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है SIS के लिए। फिर 2012 में हमारे यहाँ मेडिक्लेम पॉलिसी चलता है जो ग्रुप मेडिकल में आता है, तो 2012 में ये असाइनमेंट भी मुझे दिया गया कि इस मेडिक्लेम को आप देखो। फिर 2012 से मैं मेडिक्लेम पॉलिसी देख रहे थे और मेरे साथ एक एम्प्लॉय थे, वो खूब अच्छा उसका मतलब ग्रिप हो गया, वो संभालने लगा, तो फिर उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। अब वो दिल्ली से ही पूरा कंट्रोल करता है, अब मेडिक्लेम में मेरा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। अगर बहुत प्रॉब्लम होता था तो वो मेरे से कांटेक्ट करता था, अदरवाइज मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, मैं टोटली GRC में ही रही, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल। SIA सोसाइटी के लिए ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन तो ये बोलेंगे हर साल लाखों की संख्या में ये लोग गार्ड को ट्रेनिंग देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। क्योंकि जो गांव से देहात से आते हैं वो क्या करते हैं, गांव में सिर्फ खेती बाड़ी ही करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन SIS में आने के बाद उसको इतने अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि वो ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद एक अपने पैर पर खड़ा होके वो कमाता है। ये बहुत गर्व की बात है कि SIS आज 50 साल का हो गया और इस परिवार में परिवार का एक सदस्य मैं रही। SIS अपने आप को एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा, ये एक परिवार की तरह परिवार समझा। तो उस परिवार में 30 साल मैं जुटी रही, आज भी SIS के साथ मेरा उतना ही आना जाना बैठना सबके साथ अच्छा रिलेशन है। तो इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं, 50 साल कोई कम नहीं है, बहुत ही मायने रखता है 50 ईयर्स एक कंपनी को जीवित रखना। That's how SIS from a purely located eastern region player came to be known as a national player. I found RK with me that why don't you join SIS, and that I had no hesitation. I knew there are formidable challenges, but I also knew that what he had set up are amazing, sort of a culture in which every employee is bound
and treated as a family person. Frankly speaking, I have never found so much satisfaction in my entire career as I found in 16, 17 years that I was here. The support from the founder chairman was always available. I mean, he had taken up, that's what an entrepreneur is. He said, what will happen? I came with, you know, his exact words were, when I came to Delhi to do business, I only had a rupee. And if this goes bust, what will happen? I'll be again at the same end. That's what an entrepreneur takes risk for. My job was to make it successful. We also wanted to go to UAE. We had serious discussions with Transguard. Unfortunately, we couldn't make that acquisition.